हुआ है, जिनके साथ ज्यादतियां की गई हैं, जिनके घर में उसकी बाकायदा एक इंक्वायरी हो गई, जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। और बाकायदा आपको पता है जिन साथियों के साथ तशद्दुद किया है, जब ये फेटल एक्सीडेंट में आता है उनके मुआवजे भी बनते हैं, जब आप किसी को जख्मी करेंगे ये टॉट में भी आता है। तीसरा, आपने डिटेंशन ऑर्डर करके जिन साथियों को अंदर डाला हुआ है उनको भी रिहाई दें फौरी तौर पर। अलम शेख को इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह हमारी बहन को रात के अंधेरे में पकड़ के अभी क्या कसूर किया है, डिटेंशन करना है तो घर में डिटेन कर लिया, अगर वाकई आपको शौक है, मगर ये नहीं कि आप जेल में उठा कर ले जाए, उनको भी फौरी तौर पर रिहाई दें। बिल्कुल, ये बता दें उन सब साथियों के हवाले से, उन सबको सबको रिहाई दें आप। खुदारा अगर कोई कसूर है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, आपको किसी ने नहीं रोका है, कानून बड़ा क्लियर है। अब तो वैसे भी आपके पास पीडीएम आईना है, आईना पाक्स 1973 तो मौजूद नहीं है आपके पास, उसका निवाज कर लें, जिस तरह भी करना। सर आपको क्या लगता है इमरान रियाज को अदालत में पेश किया जाएगा या वैसे ही छोड़ दिया जाएगा? देखिए मुझे बड़ी उम्मीद है रस्ते में कहीं, मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं इस वक्त इमरान रियाज साहब की बाजियाबी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मैं किसी वाय मीडिया में नहीं जाना चाहता, वो अदालत लाए या बाहर छोड़ें जिस तरह भी हो, इमरान रियाज की बाजियाबी हमारे लिए सबसे ज्यादा मुकदम है, ये उनका हक है, आईने पाकिस्तान 1973 ने दिया है, जीने का हक दिया है, उन्हें जीने का हक है, उन्हें आजादी इजहार राय का हक है, वो हक नहीं छीना जा सकता उनसे।